आप देख रहे हैं न्यूज बिहार, बिहार का नंबर वन डिजिटल चैनल। राफेल, इस फाइटर प्लेन को लेकर कितनी सियासत हो रही है देश में, आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे स्क्रीन पर किस तरह से राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को गले लगा लिया था, कितनी राजनीति बढ़ गई है। और अब इसी राफेल फाइटर प्लेन पर बैठकर आज तारिक अनवर ना जाने कहां गुम हो गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव टीवी के यूट्यूब चैनल पे। जिस तरह से सुबह से खबरें निकल कर आ रही हैं, तारिक अनवर ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, साथ साथ उन्होंने पार्टी पद से भी इस्तीफा दे दिया है, एनसीपी छोड़ दिया है। बिहार में एकमात्र सीट एनसीपी की थी, आज से वो भी वैकेंट हो गई है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर बीजेपी का क्या कहना है, ये भी हम जानते हैं, आप उत्सुक होंगे जानने के लिए, इसलिए हमने खास बातचीत की है भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल से। सुनिए इस बातचीत दौरान उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाए हैं कांग्रेस पर, क्या कुछ कहा है तारिक अनवर के बारे में और क्या कुछ कहा है देश की सुरक्षा को लेकर। जी सर, जैसा आप जानते होंगे, आज सुबह से ही खबरें निकल के आ रही हैं, एकाएक तारिक अनवर ने एनसीपी का दामन छोड़ दिया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, तारिक अनवर एनसीपी के उम्मीदवार थे जी, और एनसीपी के सांसद थे जी, और पिछली बार कांग्रेस के साथ मिलकर करके चुनाव लड़े थे जी। उनके नेता शरद पवार हैं जी, और शरद पवार बड़े सुलझे हुए नेता हैं, बड़े सोच समझ करके वो कुछ भी बोलते हैं। और उन्होंने कहा कि राफेल के मुद्दे पर सरकार को घेरना या प्रधानमंत्री को दोषी ठहराना कहीं से उचित नहीं है, यह देश के सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, देश के लिए आवश्यक था यह सुरक्षा सौदा। इसलिए उस आधार पे उनके इस बयान को लेकर करके तारिक अनवर ने वो छोड़ने का मन बनाया। लेकिन मुझे लगता है ये पहले से कांग्रेस के साथ उनका साठगांठ रहा है, कांग्रेस में वो रहे हैं और कांग्रेस खुलकर करके इस प्रकार की राजनीति करती है, कांग्रेस का अपना आधार समाप्त हो गया है। अब तो बाहर के लोगों को, बाहरी लोगों को वो अपने तरफ लेना चाहते हैं, आकर्षित करना चाहते हैं, और जिनको लगता है कि हम अब नरेंद्र मोदी की हवा में या नरेंद्र मोदी ने जितना काम किया है, जनता जिस प्रकार से उनको चाह रही है, तो हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं, इसलिए वह कांग्रेस के दामन थाम कर करके कांग्रेस की गोद में गए हैं शरद पवार को छोड़ करके। शरद पवार ने उनका अस्तित्व बचाया था, उनको नेता बनाया था, उनको राज्यसभा में भेजा था, अपने सिंबल पे उन्हें चुनाव लड़ाने का काम किया था, लेकिन इन सारी चीजों को छोड़ कर करके कांग्रेस के साथ जाना और कांग्रेस की इस प्रकार की राजनीति करना, यह साबित करता है कि कांग्रेस के पास अपना कोई वजूद नहीं है, बाहरी व्यक्तियों पर ही वह निर्भर रह गया है। कांग्रेस के ये सारे मामले अब सामने आ रहे हैं, कांग्रेस बेनक हो रही है जी। राफेल डील को लेकर बड़े दिनों से कांग्रेस लगातार भाजपा को घेर रही है, इस पर भाजपा अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं करती? देखिए, राफेल 2001 में ही खरीदने के लिए कारगिल का युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध के बाद जिस प्रकार से आवश्यकता महसूस की गई थी कि ऐसा युद्धक विमान की आवश्यकता है, जिस प्रकार से मिग विमान है अब पुराने हो गए हैं और उसके लगातार कई बार जो है से उनके एक्सीडेंट होने का भी बात आई है, तो एक अच्छे युद्धक विमान चाहिए और उस पर राफेल खरीदने के लिए निर्णय हुआ था। लेकिन कांग्रेस लगातार 10 वर्षों तक रही और 2014 तक उसने उस डील को नहीं किया, तो मुझे लगता है कांग्रेस को कभी देश की सुरक्षा से कोई मतलब मायने मतलब नहीं था। आप आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर कि कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस सजग नहीं रही है आज तक जी। हमने तो कहा कि जब 2001 में यह निर्णय हुआ था और 2004 से लगातार 2014 तक कांग्रेस सरकार थी, उनके जिम्मे था इस सौदे को करने, इसको खरीदना, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, उनको लगता था कि ये कोई आवश्यकता जरूरत नहीं है, देश की सुरक्षा से उनको कोई मामला नहीं, कोई मायने मतलब नहीं था। लेकिन यह सरकार के आते ही और आवश्यकता जो थी उस आवश्यकता के अनुरूप और पहले से जो तय थे मानक, उस मानक के अनुरूप राफेल खरीदा गया है, उसमें हाई तवा मचा रहा जाकर करके चाइना से लेकर करके तमाम देशों के साथ जाकर करके राहुल गांधी अपने देश की सुरक्षा को खतरे में डालने की काम कर रहे हैं जाकर करके वहां के लोगों से। मुझे तो लगता है कि विदेशी ताकतों के साथ मिलकर करके और राफेल के माध्यम से देश को कमजोर कर रहे हैं कांग्रेस के लोग जी। तो तारिक अनवर कहीं ना कहीं अब भाजपा को भी लगने लग रहा है कि अब तारिक अनवर सीधे कांग्रेस के पास जाएंगे? जरूर, मैंने कहा कि
तारिक अनवर लगातार कांग्रेस के समर्थन से ही चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन उनके नेता शरद पवार रहे हैं और शरद पवार जब सुलझे हुए व्यक्ति हैं, शरद पवार का बयान आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, रखता है कि उन्होंने राफेल के मामले पर कांग्रेस को घेरने का काम किया है। ये देश से सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, देश की सुरक्षा पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, ये आवश्यकता थी, जरूरत थी। इसलिए अगर उस मुद्दे के आधार पर तारिक अनवर छोड़ करके कांग्रेस के साथ जा सकते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने पार्टी से और देश के साथ वो गद्दारी कर रहे हैं। जी, न्यूज बिहार से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जिस तरह से आपने सुना, किस तरह से प्रेम रंजन पटेल ने तारिक अनवर और कांग्रेस को सीधा सीधा देशद्रोही बता दिया। उन्होंने यह भी कहा है कि पिछले 10 साल से कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, देश की सुरक्षा के साथ लापरवाही की है और एक तरह से गद्दार होने का भी टैग लगा दिया है कांग्रेस और तारिक अनवर पर। अब इस पूरे मुद्दे पर तारिक अनवर क्या कुछ कहते हैं, कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ बयान आता है या कोई ट्वीट आता है, उस ट्वीट से भी हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। बने रहे भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।